हेलो गाइज, वेलकम टू विद्या फर्स्ट। मैं हूं सुनील कुमावत और क्लास 11th इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़ रहे हैं इनडिफरेंस कर्व क्या है। कार्डिनल अप्रोच से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को फाइंड आउट कैसे किया जाए हम लोग पढ़ चुके हैं, और आज हम स्टार्ट करेंगे इनडिफरेंस कर्व क्या है, इनडिफरेंस मैप क्या है, इनडिफरेंस शेड्यूल क्या है, इनडिफरेंस कर्व के फीचर्स कौन कौन से हैं। तो सारी चीज़ों का आज हम डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। तो गाइज, बातचीत करते हैं इनडिफरेंस कर्व क्या है। इनडिफरेंस कर्व को यदि आप डिफाइन करें तो इनडिफरेंस कर्व शोज द वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज विच गिव इक्वल सेटिस्फेक्शन। इनडिफरेंस कर्व जो है वो ऐसा कर्व है जो ये रिप्रेजेंट करता है कॉम्बिनेशन, डिफरेंट कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करता है टू गुड्स के जो कि इक्वल सेटिस्फेक्शन देते हो। अब बात यह है कि जब आप कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाला जो आप चैप्टर पढ़ रहे हैं तो पहले एक बात अच्छे से समझ लें कि इसमें दो अप्रोच है। पहली अप्रोच का नाम है कार्डिनल अप्रोच। इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पर जो है हम जो कंज्यूमर के सेटिस्फेक्शन का जो लेवल है या हम किसी चीज़ को कंपेयर करना चाहते हैं चीज़ों को, तो हम वहाँ क्या नंबर देते हैं यूटिल्स में, हमें हम उन्हें काउंट कर लेते हैं। ठीक, तो जो इससे पहले जो हम लोग पढ़ रहे थे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी इन टू कमोडिटीज, तो वो कार्डिनल अप्रोच थी। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं इसका नाम है ऑर्डिनल अप्रोच। और ऑर्डिनल अप्रोच ये बोलती है कि हम जो है किसी चीज़ को नंबर नहीं दे सकते हैं। हम कोई दो चीज़ मान लो हम कंज्यूम कर रहे हैं तो हम एक दूसरे से कंपेयर कर सकते हैं और हम उन्हें रैंक दे सकते हैं कि बीच वन इज मोर बेटर, ऐसा इस अप्रोच का ऐसा कहना है। ठीक, तो अब इनडिफरेंस कर्व क्या है। इनडिफरेंस कर्व ये है कि मान लीजिए हम कोई गुड्स है एक्स और वाई, हम ये दो चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक, अब ये दो चीजें कंज्यूम कर रहे हैं तो हम एक कॉम्बिनेशन तो ये बन सकता है कि हम एक्स की एक यूनिट कंज्यूम करें और वाई की जो है 30 यूनिट कंज्यूम करें। ठीक, एक्स की हम एक यूनिट कंज्यूम करें और वाई की 30 यूनिट कंज्यूम करें तो भी हमें सेटिस्फेक्शन जो है वो क्या मिलेगा, तो भी हमें सेटिस्फेक्शन कुछ मिलेगा। मान लीजिए सेटिस्फेक्शन को मैं एस नाम दे देता हूं यहां पर। ठीक, फिर यदि हम टू कमोडिटीज एक्स की मतलब एक्स कंज्यूमशन बढ़ा देते हैं तो ऑब्वियसली बात है वाई का कम होगा, है ना। जैसे मान लीजिए हम दो चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं, मान लेते हैं कि एक जो है अनार है और एक दूसरा एप्पल है, तो हम जो है एप्पल एक यूज़ कर रहे थे तो अनार 30 यूज़ कर रहे थे। फिर अब एप्पल हमने बढ़ाए तो अनार क्या होना चाहिए, कब होना चाहिए, तो अनार को हम कम कंज्यूम करेंगे। तो दूसरा है जो ये जो बंडल है, इस बंडल से भी हमें सेटिस्फेक्शन क्या मिल रहा है, एस मिल रहा है, है ना। मैं एस लिख रहा हूँ, आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ एक्स लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ एस ही लिख देता हूँ। फिर जो है फिर आप जैसे आपने और आपने कंजप्शन बढ़ाया, जैसे आपने एप्पल 3 एप्पल आप खाने लग गए तो आपने अनार जो है आपको आप कम कंज्यूम करेंगे तो इससे भी सेटिस्फेक्शन वही मिलेगा, इससे भी सेटिस्फेक्शन। 4 आपने एप्पल खा रहे हैं और 18 जो है आप अनार खा रहे हैं तो आपको जो है सेटिस्फेक्शन वही कभी मिलेगा। मतलब आपके लिए यहाँ पर भी एक जैसे हैं आप, तो यहाँ पर भी आप एक जैसे ही है। ये 5 किए तो ये और कम कर देंगे। ठीक, देखिए एक बात तो तय है कि हम किसी चीज़ का कंजम्पशन बढ़ाते हैं तो दूसरी चीज़ का कंजम्पशन जो है वो कम होगा, है ना। आप कोई भी चीज़ आप दो चीज़ों को मिला के अब आपका काम चल रहा है, पहले आप एक ही चीज़ पर ज़्यादा फोकस दे रहे थे, है ना, और एक चीज़ को बहुत कम कंज्यूम कर रहे थे। अब जैसे जैसे इसका बढ़ा रहे हैं तो इसको आप कम कर देंगे तो भी आपका काम चल जाएगा, राइट है कि नहीं। आप सेटिस्फेक्शन जो है वो इक्वल 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 मिल जाएगा। अब इनडिफरेंस कर्व का नाम इनडिफरेंस क्यों है, इनडिफरेंस कर्व का नाम इनडिफरेंस इसी वजह से क्योंकि हम जो है डिफरेंट नहीं है हर लेवल पर। क्या है, 1, 2, 3, 4, 5 कॉम्बिनेशन में सेटिस्फेक्शन क्या है, इक्वल है। सेटिस्फेक्शन का लेवल जो है वो इक्वल है। एस 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 मैंने ऐसी कुछ भी लिख दिया मैंने मान लो, तो सेटिस्फेक्शन का लेवल कैसा है, एक जैसा है। सेटिस्फेक्शन का लेवल जो है वो कम या ज्यादा नहीं हो रहा है, राइट है। तो इसीलिए इनडिफरेंस कर्व का नाम जो है इनडिफरेंस इसलिए रखा है क्योंकि इसमें जितने भी लेवल है उन सारे लेवल पर क्या है, जो आपका सेटिस्फेक्शन है वो इक्वल है, इनडिफरेंट है, इसलिए इसी इस कर्व का नाम इनडिफरेंस कर्व है। अब इसी बात को यदि हम, ये हो गया आपका इनडिफरेंस शेड्यूल, है ना। अब इसी बात को यदि हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ के थ्रू
तो ये क्या बन जाएगा, ये कर्व बन जाएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इनडिफरेंस कर्व। अब आप देखें कि 1 पे 30 है तो 1 पे 30, 2 पे 25, 2 पे 25, 3 पे 21, फिर आपका 4 पे 18, 4 पर 18, 5 पर 16, तो 5 पर 16 आपने ऐसे टिक लगा लिए। उसके बाद में इन सारे पॉइंट को यदि आप ऐड कर देंगे तो एक कर्व बन जाएगा कुछ इस टाइप का, है ना, एक कॉन्वेक्स टाइप का एक कर्व बनेगा, ठीक, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन इस टाइप का एक कर्व बनेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे इनडिफरेंस कर्व बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, इनडिफरेंस कर्व, जिसमें ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिफरेंट कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे कि ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, ये सी पॉइंट हो गया, ये डी है और ये ई है, इस टाइप का ये जो है डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको हम बोलेंगे इनडिफरेंस कर्व, ठीक। अब यहाँ पर अब ऑब्वियसली बात है, इनडिफरेंस कर्व क्या है, ये तो हो गया, लेकिन इनडिफरेंस कर्व में ऐसा ही नेचर क्यों है, ये इनडिफरेंस कर्व ऐसा क्यों नहीं है, या इनडिफरेंस कर्व ऐसा क्यों नहीं है, ये भी सवाल हो सकता है, या इनडिफरेंस कर्व नीचे ही क्यों जा रहा है, या ऐसा क्यों नहीं जा रहा है। अब हमारी बात यहां पर आएगी, तो बात यह है कि यहां पर जो है, यहां पर इसका एक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है, तो डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है, पहली चीज ये, तो डाउनवर्ड स्लोपिंग तब होती है कोई भी चीज जब दोनों चीजें आपस में क्या हो, नेगेटिव हो। अब नेगेटिव कैसे, जैसे कि आप इसका कंजम्पशन बढ़ा रहे हैं, एक्स को यदि आप बढ़ा रहे हैं तो वाई को आपको क्या करना पड़ेगा, कम करना ही पड़ेगा, ठीक। तो जो इसका पहला जो फीचर है, इनडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड्स, इनडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड्स, तो इनडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड्स बिकॉज देयर इज नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन कंजप्शन ऑफ यूनिट एक्स एंड वाई, व्हेन वी इंक्रीज द कंजप्शन ऑफ एक्स इट मीन्स द कंजप्शन ऑफ वाई विल डिक्रीज। तो जब भी दो चीजों के बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है तो जो है कर्व कैसा होता है, डाउनवर्ड होता है, किसी भी चीज का कर्व, है ना, तो डाउनवर्ड कर्व होता है। पहली बात खत्म हो गई। दूसरी बात यह, ये कॉन्वेक्स टू ओरिजिन क्यों है, ये कॉन्वेक्स टू ओरिजिन इसलिए है कि ये जो इनके बीच में जो रेट है, जो ये इसको नीचे जाने का जो रेट है, वो रेट कम है या ज्यादा है, उस बेसिस पर डिपेंड होता है कि ये इसका कर्व ऐसा होगा या कॉन्वेक्स होगा या कॉनकेव होगा। तो यहां पर हमें एक चीज देखना पड़ेगी और उस चीज का नाम है MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, वो किस, उसका नेचर कैसा है। देखें आप, उसका नेचर ऐसा है कि आपने एक कमोडिटी बढ़ाई एक्स की, तो वाई की कितनी कम हो गई, वाई की जो है 5 यूनिट कम हो गई। फिर आपने एक इसकी एक यूनिट बढ़ाई तो वाई की जो है 4 यूनिट कम हो गई। फिर आपने इसकी एक यूनिट बढ़ाई तो इसकी 3 यूनिट कम हो गई। फिर आपने इसकी एक यूनिट बढ़ाई तो इसकी जो है 2 यूनिट कम हो गई। यानी कि इसको पाने के लिए इसको खोना पड़ रहा है, और खोने का रेट कैसा है, खोने का रेट देखें आप, पहले था 5, फिर है 4, एक मिनट, पहले है 5, है ना, फिर है आपका 4, फिर है आपका 3, फिर है आपका 2। यानी कि ये मैं, इसका मतलब ये चेंज इन वाई, वाई में कितना चेंजेस हो रहा है ऊपर लिखेंगे, और एक्स में कितना चेंजेस हो रहा है उसको नीचे लिखेंगे, उसे डिवाइड करेंगे, तो 5, 4, 3, 2, यानी कि जो रेट है वो क्या होता जा रहा है, कम होते जा रहा है। और रेट यदि कम हो रहा है, यदि ये रेट कम हो रही है, तो जब भी रेट कम होती है तो शेप इस टाइप का बनता है, कॉन्वेक्स टाइप का बनता है। तो एक चीज का आंसर तो ये रहा कि इनडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन बिकॉज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज डिक्रीजिंग, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज डिक्रीजिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि व्हाई मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज डिक्रीजिंग, ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि आपके पास अभी तक ये तो बिल्कुल कम थे और ये बहुत ज्यादा थे, राइट। तो जब आपके पास जैसे ये अनार है, तो अनार आपके पास काफी ज्यादा थे, तो आप जो है चाहेंगे कि एप्पल जो है थोड़ा बढ़ जाए, तो उसके लिए आप 5 अनार खोने को राजी हो गए, मतलब आप सेक्रीफाइस करने को ज्यादा सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है। तो आपने 5, क्योंकि बहुत सारे हैं आपके पास, तो चलो ठीक है 5 कम कर दो और एक ही बढ़ा दो। अब आपके पास ये भी हो गए और ये भी हो गए, तो जब ये फिर भी अभी ज्यादा तो है, लेकिन फिर भी पहले के कंपेयर में तो इधर भी आपके पास पहले एक ही जो है आपके पास एप्पल था, आप 2 एप्पल हो गए,
तो फिर आप जो है इसको सेक्रीफाइस क्या करना चाहेंगे, कम करना चाहेंगे। अगली बार यहाँ तीन हो गए तो फिर अगली बार सेक्रीफाइस करना कम चाहेंगे, अगली बार सेक्रीफाइस करना कम चाहेंगे। मतलब जैसे जैसे कोई चीज़ हमारे पास कम होती जाती है तो उसको सेक्रीफाइस करने की इच्छा भी हमारी क्या हो जाती है, कम हो जाती है ना। जैसे मान लो हमारे पास कोई चीज़ बहुत सारा ऑलरेडी है, बहुत ज़्यादा है, तो चलो ठीक है यार सेक्रीफाइस करो, चलो दूसरी चीज़ आ रही है ना इसके बदले में, आने दो। लेकिन जब वो चीज़ कम होती जाएगी, जैसे जैसे ये चीज़ कम होती जा रही है, तो हमारी सेक्रीफाइस करने की जो सेक्रीफाइस करने की जो हमारी इच्छा होगी वो क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। राइट है करोगे आप? मान लीजिए कोई भी दो चीज़ मान लीजिए, मान लेते हैं कि आपके पास जो है आप कोई दो चीज़ खरीदने जा रहे हैं या फिर आप कोई भी चीज़ लेने जा रहे हैं, तो एक चीज़ आपके पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, जो ज़्यादा है उसको आप सेक्रीफाइस पहले ज़्यादा कर देंगे, फिर जैसे ही कम होगी तो फिर आपकी सेक्रीफाइस करने की इच्छा कम होगी। आपकी जेब में मान लीजिए 10,000 रुपये थे, अब 10,000 में से आपने चलो ठीक है यार कोई दूसरी चीज़ कुछ कर रहा है तो चलो पहले आपने दे दिया, किसी को देना है तो आपने यार डोनेशन देना है या किसी को ऐसी गिफ्ट में देना है, चलो दे दिया। फिर दूसरी बार में इतना तो नहीं देगा ना, उससे कम देने की इच्छा होगी, फिर तीसरी बार में और देने की कम इच्छा होगी, क्योंकि आपके पास उसका स्टॉक क्या होता जा रहा है, कम होते जा रहा है। ठीक, तो क्योंकि इनके पास जो है जो पर्टिकुलर चीज़ है, जो भी ये पर्टिकुलर गुड्स है भाई की जो है वो कम होते जा रहा है, इसलिए इनके सेक्रीफाइस करने की जो इच्छा है वो भी कम होती जाएगी, इसलिए MRS क्या है, MRS डिक्रीजिंग है। ठीक, और MRS डिक्रीजिंग है, इस वजह से ये क्या है, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन है। अब नेक्स्ट कंडीशन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट कंडीशन क्या है, टू इंडिफरेंस कर्व कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अब मान लीजिए हम एक और इंडिफरेंस कर्व बनाते हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि उसका भी सेटिस्फेक्शन का लेवल सेम होगा। मान लीजिए हम यहाँ 1 की जगह यहाँ 4 रख दे, 5 रख दे, या 1, 2 रख दे, 4 कुछ भी रख दे हम, तो यहाँ हम बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ेगा, या सॉरी ये हम बढ़ाएंगे तो ये कम होगा, ये फिर हम बढ़ाएंगे ये कुछ और होगा। यानी कि या तो एक कर्व इधर बन सकता है या एक कर्व इधर बन सकता है, लेकिन कोई कर्व जो है इंटरसेक्ट नहीं होगा, क्योंकि इसका जो सेटिस्फेक्शन का लेवल होगा वो हर जगह कैसा होगा, वो हर जगह इक्वल होगा, तो वो जितना दूरी इससे बनी हुई है वो हमेशा वो दूरी बनी रहेगी, या इधर दूरी है तो इधर हमेशा बनी रहेगी, इंटरसेक्ट वो नहीं करेंगे। नेक्स्ट बोल रहा है कि हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट हायर सेटिस्फेक्शन। भाई इससे इधर वाला जो कर्व है वो ऑब्वियसली बात है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कि भाई ज़्यादा हायर सेटिस्फेक्शन मिल रहा है ना। ये 30 की जगह मैंने क्या कर दिए, मान लीजिए 30 की जगह मैंने 40 कर दिए, और ये 1 की जगह मान लीजिए मैंने 1 की जगह 2 कर दिए, तो ये कर्व जो है उधर शिफ्ट हो जाएगा, तो उधर शिफ्ट हो गया इट मीन्स क्या हो रहा है, वो ज़्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहा है, ज़्यादा चीज़ों की बात कर रहा है। ठीक है, तो इंडिफरेंस कर्व क्या है, इंडिफरेंस कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन विच शोज द वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज विच गिव इक्वल सेटिस्फेक्शन देता है, उसको इंडिफरेंस कर्व बोलते हैं। इट इज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन बिकॉज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज डिक्रीजिंग, ये डिक्रीज हो रही है, ये इंक्रीज होती तो वो कॉनकेव होता, जैसा BPC होता है। खैर, इसके अलावा हम बात करते हैं कि इंडिफरेंस मैप क्या होता है। जब एक से ज़्यादा इंडिफरेंस कर्व होते हैं, जैसे कि इंडिफरेंस कर्व एक ये हो गया, इंडिफरेंस कर्व एक ये हो गया, इंडिफरेंस कर्व एक ये हो गया, तो एक से ज़्यादा इंडिफरेंस कर्व जब होते हैं तो उसको इंडिफरेंस मैप बोलते हैं, यानी कि इंडिफरेंस कर्व की फैमिली क्या कहलाएगी, मैप कहलाएगी। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा इंडिफरेंस कर्व क्या है और इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाए, इसको आप कॉपी में इंडिफरेंस शेड्यूल कैसे बनाए, इंडिफरेंस शेड्यूल से इंडिफरेंस कर्व को कैसे बनाए, और इंडिफरेंस कर्व के जो फीचर्स है वो कौन कौन से फीचर्स हैं। ठीक, आई होप कि आप ये सारी चीज़ें आप जो है आपको ये सारी चीज़ें कॉपी में नोट करना चाहिए, और ये जितने भी पॉइंट लिखे हुए इसमें बुक में से देख करके आप पॉइंट लिखें, अब आप पॉइंट लिखेंगे तो आप अच्छे से आप इसको याद कर पाएंगे। खैर, मुद्दे की बात यह है कि देखिए ये टॉपिक तो हमारा कंप्लीट हुआ, आपको मेरे वीडियो जो है बहुत कभी कभार आते फिर कभी नहीं आते फिर ऐसा लगता होगा, लेकिन आपको प्लेलिस्ट जो है वो बिल्कुल आप प्लेलिस्ट के थ्रू जाएं, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो सीक्वेंस ही मिलेंगे, मैं कभी भी अपलोड करूं लेकिन आपको सीक्वेंस में मिलेंगे, आप प्लेलिस्ट के थ्रू आप देखें तो आपको सीक्वेंस में देखने को मिलेंगे, सीक्वेंस में देखने को आपको मिलेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएगी। फिर मिलते रहेंगे, तब तक के लिए अलविदा, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू वेरी मच, और हाँ वीडियो शेयर और सब्सक्राइब और ये सब ठीक लगे तो करना, थैंक यू।